The Pakistani troops on Tuesday resorted to mortar shelling on forward posts along the line of control in Poonch sector of Jammu and Kashmir, violating ceasefire for the second time in less than a week. पिशापुर सेक्टर में ये रात के 12 बजे फायरिंग शुरू हुई थी, तो सबसे पहले जो पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग की गई है तो उसका जवाब जो है वो इंडिया वालों ने भी दिया है। तो अब ये रात के 12 बजे से लेके इस वक्त सुबह तक भी अभी तक ये जारी है। अभी अभी आप आवाज़ें सुन रहे हो फायरिंग होने की, मोटा फायर चल रहा है, छोटा फायर चल रहा है, छापर में हो रही है, यहाँ गुतरियाँ किरनी ये सारा इलाका जो है इसमें फायर पड़ रहे हैं, और खास करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, आबादी वाले इलाके को ज़्यादा वो निशाना बना रहे हैं। Around 8,000 people have been affected due to the ceasefire violations and had to be shifted to safer locations.